वो भी स्थगित करनी पड़ी। तमाम राज्यसभा के जो विपक्ष के सांसद हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री किरेन रिजिजू भी नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने तत्काल जो है वो अटेंड किया फूलोदेवी नेताम को और प्राथमिक जो है तौर पर जांच की। फूलोदेवी नेताम से भी हमने बात की, वो थोड़ी असहज महसूस जरूर कर रही थी लेकिन वो कह रही थी कि वो अचानक से उन्हें चक्कर आया और वो गिर गई। प्रदर्शन चल रहा था राज्यसभा में, वेल में जो है वो विपक्ष के सांसद नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई थी और इसी दौरान फूलोदेवी नेताम जो प्रदर्शन के दौरान जो है वो चक्कर आया और अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि फूलोदेवी नेताम की जो तबीयत है वो जो है वो खराब जरूर है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मंत्री जी हमारे साथ किरेन रिजिजू के साथ आप जाएंगे सर, मैं देख रहा हूँ अभी चिंतित है काफी, क्या क्या वो ठीक है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।